तो आज जो है हम लोग आठवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कितना हो? आठवा चैप्टर आठ, जिसका नाम है चतुर्भुज। कथी नाम है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल लेटरल, ठीक है। हेडिंग बनाइए, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, ना लिखना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो आज जो हम लोग आठवां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग जो है इसका हेडिंग बनाइए, ठीक है। हेडिंग बन गया? हाँ। चलिए, तो इसका दो को परिभाषा हम लोग जानेंगे। चलिए पहले हल्का वाला परिभाषा जान लेते हैं। लिखिएगा, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कै गो भुजा से? चार। तो मान लीजिए एगो भुजा ई हो गया, ठीक है। एगो भुजा ई हो गया, दो गो होगा। एगो भुजा ई हो गया और एगो भुजा ई हो गया, तो चार गो भुजा हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। तो चार गो भुजा हो गया, एगो ए बी है, बी सी है, सी डी है और कथी है, ए डी है। गौर से समझिएगा, ए बी है, ए बी को बी ए भी पढ़ सकते हैं, बी सी है, बी सी को सी बी भी पढ़ सकते हैं, सी डी है, सी डी को डी सी भी पढ़ सकते हैं और ए डी को हम लोग डी ए भी पढ़ सकते हैं। तो चार गो भुजा से घिरा जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल या क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो एरिया, इसी को हम लोग कथी कहेंगे चतुर्भुज। ये आकृति कैसा है? तो चतुर्भुज की आकृति है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें भुजा कै गो है। सबसे पहले भुजा यानी साइड कै गो है? तो चार गो है। कै गो है? तो चार गो। कौन कौन है तो देख लीजिए, कौन कौन है तो देखिए, ए बी है और कथी है, बी सी है ना हो, सी डी है और कथी है, ए डी है, राइट। चलिए शीर्ष की बात करें, शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो शीर्ष क्या है? ए है। शीर्ष भी क्या होगा? चार गो होगा। ए है, बी है, सी है और डी है ना, चार चार गो। चलिए और हटा दे, ऐसी देखिएगा, ऐसी समझ लीजिए चार गो, ठीक है। आगे देखिए, कोण की बात करें तो कोण यानी एंगल। एंगल भी क्या गो है? चार गो है, ठीक है ना। कोण ए है, ठीक ना। कोण बी है, कोण बी के बाद कोण सी है, कोण डी है। चलो कोण भी क्या गो है? चार गो है, तनका लिख देते हैं चार गो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग भुजा लिख दिए, ठीक है ना। विकर्ण कथी? विकर्ण। विकर्ण क्या गो है? तो दो गो है। कौन कौन है तो देख लीजिए, ए गो ए सी हो जाएगा, कथी हो जाएगा, ए सी, यानी यहाँ से यहाँ को मिलाइएगा ना, ये हो गया एगो ए सी, ठीक है। और एगो है बी डी, कथी है, बी डी, यहाँ से यहाँ को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा बी डी, ठीक है ना। चले तो विकर्ण कै गो? दो गो। कोण कै गो? चार गो। शीर्ष कै गो? चार गो। भुजा कै गो? चार गो, ठीक है। तो हम एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, वो समझिएगा। चतुर्भुज में नाम चेंज भी हो सकता है, तो विकर्ण का भी नाम चेंज हो जाएगा, कोण का भी नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझाया। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं इसका प्रकार, इसका प्रकार। लेकिन इसका प्रकार जानने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट होता है, यानी कुछ शब्द होता है, उसको समझेंगे। सबसे पहले कर्मागत भुजा, कथी? कर्मागत भुजा लिखिएगा, कर्मागत भुजा। हेडिंग बनाइए, हाँ इसको उतार लीजिए पहले, तब हेडिंग बनाइए, कर्मागत भुजा, ठीक है ना। हाँ, चतुर्भुज जो है गलती लिखा गया यहाँ पे रहो, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, और कहीं लिख लिया का, अच्छा यहाँ पे छूट गया तो देख लो, माइनस कर लो एक, बाकी सब सही है ना। चलिए ठीक है, कर्मागत भुजा। कर्मागत भुजा का मतलब होता है एक के बाद एक, जिसे हम कर्मागत संख्या की बात करते हैं, एक दो, ये कहती है कर्मागत संख्या है, ग्यारह के बाद बारह, कर्मागत संख्या समझता है ना, एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि ग्यारह के बाद तेरह हो जाएगा, समझा। कर्मागत मतलब कहती हो गया लगातार, कर्मागत मतलब, तो कर्मागत भुजा की बात करते कौन कौन है, ए बी है, कहती है बी सी है ना, ए बी के बाद बी सी ना होगा, बी सी के बाद कहती हो जाएगा, और सी डी के बाद ए डी चाहे डी ए है ना, ए डी चाहे डी ए, क्रमागत मतलब यही ना होता है लगातार, ए भी लेता बी सी, बी सी लेता सी डी, सी डी लेता अब डी ए, यही ना होगा। अब एक होगा सम्मुख भुजा, कहते होगा सम्मुख भुजा।
सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने वाला, आमने सम्मुख भुजा का मतलब कथी होता है आमने सामने, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने। चलो तो ए बी, ए बी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी का सम्मुख भुजा, ए बी का सम्मुख भुजा तो ए बी और सी डी, ए बी का सम्मुख तो है ना, ए बी और कथी सी डी। अगला बात करें तो ए डी का कथी हो जाएगा, चाहे ए डी ले लेते हैं इसका कथी नाम बी सी ले लेते हैं तो बी सी और कथी हो जाएगा ए डी। ये दोनों सम्मुख भुजा हो गया, इसका सम्मुख भुजा ये होगा और इसका ये होगा, पहले ये लिखे चाहे ये लिखे उसको कोई दिक्कत नहीं। चले आगे है सम्मुख कोण, कथी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता कथी ये समझ लीजिए, सम्मुख कोण का मतलब समझा दें। तो सम्मुख कोण का मतलब होता भैया आपका सामने वाला कोण, तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा, कौन सी, गुड हो जाएगा ना, बराबर बार बार दिया जाता है, कोण ए का सम्मुख कोण हो गया कोण सी, ठीक ना। और सही से लिखिएगा ये वाला, ये एल नहीं है, इस कोण का जो सिंबल है यानी संकेत है, कोण बी का कोण डी हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो होता है सम्मुख कोण हो गया, अब आसन क्या बोलते हैं उसको, आसन कोण, आसन कोण। अब एक चीज हम समझाना चाहेंगे, आसन कोण बोले चाहे कर्मागत कोण बोले चाहे कर्मागत भुजा बोले, देखो कर्मागत का मतलब आसन भी हो सकता है, ठीक ना, तो समझिएगा, तो आसन कोण बोले चाहे कर्मागत कोण बोले बात वही है, आसन मतलब आसपास, आसन मतलब अति आसपास, आसन मतलब आसपास। तो कोण ए का आसन कोण कौन हो जाएगा, कोण बी, कोण ए का आसन कोण कौन हो जाएगा, कोण बी होगा ना रे, कोण ए का आसन कोण, कोण बी, और कोण बी का आसन कोण, कोण सी, और कोण सी का आसन कोण, कोण डी, ठीक है ना। और डी का पूछे तो, डी का पूछे तो, अरे तो बताओ चलो समझो, कोण डी का आसन कोण क्या हो जाएगा, कोण डी का बताओ, कोण ए, कोण डी का हो जाएगा कोण ए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आसन मतलब आसपास समझो, तो कोण ए का कोण बी हो जाएगा, आए हो जाएगा ना रे, कोण ए का बी लिख दिया हम लोग, कोण ए का बी, कोण बी का कौन हो जाएगा कोण सी, कोण सी का कौन हो जाएगा कोण डी, कोण डी का कौन हो जाएगा कोण ए, तो आसन मतलब समझेगा आसपास आसपास आसपास, ठीक है ना, इसको लिखो जल्दी लिखो। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या चीज़ ध्यान देना से समझिए, यहाँ पे जो शीर्ष लिखा है ना कोण, लड़का से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो देखिए शीर्ष का मतलब होता है चोटी, कैसे होता है चोटी, तो जहाँ पे भुजा सब मिल रहा है ना उसको हम लोग शीर्ष कहेंगे। देखिए तो एगो ई भुजा, एगो ई भुजा यहाँ पे मिला, तो एगो शीर्ष ए हो गया लिखा है ना, एगो शीर्ष बी हो गया यहाँ पे देखिए, एगो शीर्ष सी, एगो शीर्ष डी। और कोण की बात करें तो हाई वाला मान, ये दोनों का, दोनों भुजाओं के बीच का मान, कोण का बात करें तो दोनों भुजा के बीच का मान, यानी दो को भुजा में कम से कम संबंध ही बताएगा, ठीक है, कथी कोण, ठीक है, शीर्ष समझ में आ गया, कोण समझ में आ गया, विकर्ण समझ में आ गया, कर्मागत भुजा समझ में आया, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण और आसन कोण। अभी तक का पहले बताते हैं सम्मुख का मतलब, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कथी से, सम्मुख का मतलब, सम्मुख का मतलब आमने सामने, ठीक है ना, सम्मुख का मतलब आमने सामने, ठीक है। और आसन अभी समझाया, आसन 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 कथी आसन, आसन का मतलब हमने आपको समझाया, आसन कहीं लिखा है ना, हाँ आसन, आसन का मतलब हो गया कर्मागत, आसन का मतलब यहाँ कथी होगा कर्मागत, तो कर्मागत और आसन का मतलब समझिए आसपास, कथी आसपास, हाँ कर्मागत का मतलब मैथ में समझे तो एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक, जिसका बारी यानी बारी बाई बारी, ठीक ना, लेकिन आसन का मतलब समझे तो आसपास आसपास, जैसे ए बी के आसपास कौन है बी सी, बी सी के आसपास कौन है सी डी, सी डी के आसपास कथी है ए डी, ए बी के आसपास कथी हो सकता है बी सी भी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है, लेकिन कर्मागत बोल जाते हैं तो क्रम से क्रम से क्रम से, इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चतुर्भुज के टाइप्स जानेंगे, चतुर्भुज के कैसे जानेंगे टाइप्स, इसको मिटा देते हैं, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलो, नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन हम छोड़े ही नहीं है, चलिए फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो पूछ लेना, ठीक है ना, शर्माना नहीं है ना लजाना, ठीक है ना, चलिए लिखिएगा, इसको मिटा दे हो, चलिए लिखिएगा चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना, चतुर्भुज
के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कथी क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल है ना। चलिए तो लिखिएगा एक नंबर क्या लिखे समांतर चतुर्भुज लिखो समांतर चतुर्भुज ठीक है ना। दो नंबर लिखो आयत क्या लिखेंगे आया। तीन नंबर लिखिएगा सम चतुर्भुज क्या थी सम चतुर्भुज। चार नंबर लिखिएगा क्या बोलते हैं इसको वर्ग। पांच नंबर लिखिएगा क्या बोलते हैं इसको समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ठीक है ना। और छः नंबर लिखेगा पतंग कस लिखेगा पतंग कुछ छूट नहीं ना रहा है नहीं। देखिएगा ये चारों जो है ना क्या कहे एक दो तीन चार चारों को हम लोग समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं कथी बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज है चारों ठीक ना। इस चारों को समांतर चतुर्भुज हम लोग बोल सकते कौन कौन समांतर चतुर्भुज आयत सम चतुर्भुज और वर्ग। समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज नहीं बोल सकते पतंग को भी समांतर चतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं ध्यान रखिएगा कारण भी बताएंगे आगे हम लोग एक ही करके पढ़ेंगे सबका इंग्लिश जो है जब एक ही करके पढ़ेंगे तो लिखा देंगे कोई दिक्कत कि अब ये लिखा दें हाँ एक ही करके पढ़ेंगे तो जब हम जो है इंग्लिश इसका लिखा देंगे ठीक है। चलिए इसको जब ये उतारिए तब एक नंबर हेडिंग बनाया समांतर चतुर्भुज ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताए थे चतुर्भुज को हम कई परिभाषा बताएंगे एक ही बताए ना तो अंतिम में वो और परिभाषा पूछ लेना ठीक है। चलो अंतिम में बता देंगे हमने बताना भूल गया चलो कोई बात नहीं अंत में बता देंगे उसको पूछ लीजिएगा आप लोग ठीक है ध्यान से। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा अरे बार बार हमारा सही रद छूट जाता है तो आप लोग थोड़ा ही मैनेज कीजिएगा ठीक है। हो गया रद लिया ना एक नंबर हेडिंग बना लिया कथी हेडिंग बनाया है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो एक नंबर हेडिंग बनाया समांतर चतुर्भुज। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंग्लिश भी जब परिभाषा इसका लिखाएंगे तो लिखवाएंगे तो लिख लीजिए पैरेललोग्राम पैरेललो हाँ पैरेललोग्राम हेडिंग बनाइए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम हो गया हेडिंग लिखेगा वैसी चतुर्भुज चाहे वैसा चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज ठीक है ना जिसके आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा आमने सामने की जगह पर हम लोग सम्मुख भुजा भी यूज कर सकते थे पता है ना जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो कथी हो समांतर हो तो उसे कथी कहते हैं समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहते हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं ठीक है ना। लिखिएगा जल्दी फटाफट थोड़ा हाली हाली ठीक है ना समांतर चतुर्भुज कहते हैं ठीक है लिख लिए। चलिए तो हमने अभी आपको बताया कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा कहती हो समांतर हो तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब इसका आकृति देख लीजिए ये को भुजा हो गया चलिए भुजा थोड़ा साफ से बनेगा आप लोग पहले देख लीजिए एगो ये भुजा हो गया और एगो जो है भुजा मान लेते हैं ई हो गया ठीक है ठीक है ना। गौर से समझिएगा ये थोड़ा बन गया इसको और थोड़ा चपटा कर देते हैं ना थोड़ा सा और इसको लंबा करते हैं गड़बड़ाना नहीं चाहिए फिगर गड़बड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि इसी से सीखना फिगर से ही सीखना है। अब जो ये ठीक हो गया ठीक है देखो तो सब भुजा बराबर नहीं ना लग रहा है हाँ तब ठीक है इसका नाम ए दे दीजिए इसका बी इसका सी और इसका डी। अब समांतर का मतलब हमने आपको शुरू में ही बता दिया मतलब इससे पहले चैप्टर में समांतर का मतलब है कोई ऐसी दो लाइन जो कहीं पर भी ना कटे जो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे जो कहीं पर भी एक दूसरे को ना काटे ठीक एकदम सीधा होना चाहिए बीच का दूरी हमेशा बीच का चाहे आड़ी का दूरी सब जगह का दूरी सेम होना चाहिए कहीं भी ना कटे कहीं भी ना कटे लग रहा है कहीं लाइन दोनों कटे लग रहा है तो इसका मतलब होता है समांतर जैसे रेल का पटरी ठीक ना
दो ऐसा रास्ता जो कहीं भी एक दूसरे को ना काटे उसको समांतर हम लोग बोल देंगे, चाहे दो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी ना काटे उसको समांतर बोल देंगे। देखिए तो ये लाइन को आगे यदि बढ़ाया जाए, ये लाइन को आगे यदि बढ़ाया जाए तो कहीं भी एक दूसरे को काटेगा नहीं काटे। देखो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, कहीं भी रहेंगे तो दूसरे को उसी प्रकार से इसको और इसको बढ़ाएंगे, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है नहीं बोला ठीक है ना। तो ये भी एक दूसरे को कहीं भी तो नहीं काटेगा तो होगा कथी समांतर, तो ये समांतर होगा इसके और ये समांतर होगा किसके, इसके ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो लिख सकते इसमें दो गो भुजा कथी है समांतर, यानी लिख सकते सबसे पहले तो ए बी समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है, ए बी समांतर होगा कथी के सी डी के चाहे डी सी लिख दो ठीक है, एक नंबर। दूसरे का क्या हो जाएगा और लिख दो, और लिख दे एक गो में चलो, और कोई किस क्या बोलते हैं इसको बी सी समांतर किसका होगा तो ए डी का, किसका ए डी का ठीक है। चलो इतना पॉइंट लिखिए पहले फटाफट, हो गया हो। और कुछ इससे रिलेटेड गुण है उसको समझ लेते हैं हम लोग ठीक है। सबसे पहले कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, समझिएगा मेरा भाषा को समझिएगा, कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा उसका सम्मुख कोण बराबर होगा, कथी होगा हाँ सम्मुख कोण बराबर होने के साथ साथ उसका आसन कोण का योग 180 हाँ समझ में आ रहा है। हमने एक चीज़ आपको नहीं लिखाया है कि चतुर्भुज का चारों कोणों का ये कितना होता है 360 कितना 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ये भी अंतिम में लिखवा देंगे ठीक है। चलिए समझ जाइएगा ठीक है, अंतिम में छूट गया शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम में हम लिखवा देंगे, ध्यान करा देना। दो चीज़ लिखवाना अंतिम में, एक चीज़ क्या चीज़ दूसरा परिभाषा आइए को बच गया है कि चारों कोणों का ये कितना होता है 360। ऐसे हम लोग इसको साबित आगे करेंगे लेकिन अभी लिखवा देंगे तैयार रहेगा और अच्छी बात है ठीक है, नहीं लिखवाएंगे तो खैर कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो हम इसका गुण जो है बता रहे हैं अभी आपको कि कथी यही सम्मुख को ना, एक नंबर गुण लिखेगा इसका गुण और क्या है कि समांतर चतुर्भुज का ना, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है ठीक ना, होता है। आसन मतलब आसपास, आसन मतलब तो कौन एक आसन कौन कौन हो जाएगा, कौन बी हो जाएगा, बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना रे, कौन बी का कौन हो जाएगा आसन कौन, कौन सी हो जाएगा बराबर कितना 180 डिग्री, और कौन सी का कौन हो जाएगा, कौन डी हो जाएगा, बताओ ना कितना जगह था 180, और कौन डी का कौन हो जाएगा, कौन ए कितना जगह 180। तो आसन कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। लिखने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दो। अगला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज का थी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कथी बराबर होते, कथी होते बराबर होते हैं। तो जो भी सम्मुख कोण है वो बराबर होगा, तो कोण ए बराबर होगा कोण कथी के सी के, और कोण बी बराबर होगा कथी के कोण डी के ठीक है ना। और अगला गुण ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख रहा है ठीक ना, समझ जाना माइनस कर लेना। थर्ड नंबर अगला तीर के चिन्ह देखकर लिखेगा, अगला गुण जो तीर के चिन्ह गुणे हैं समझ लो, अगला जो गुण होगा बाद में लिखेगा पहले समझिए, अगला जो गुण होगा आपका लिखेगा समांतर चतुर्भुज का थी, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करता, कथी करता समद्विभाजित करता है, तो इसका विकर्ण कौन है, हाई है ए सी हो गया, या उल्टा लिखा है थोड़ा ना, ए सी हो गया और कथी हो गया बी डी हो गया, सही से आप लोग सीधा से लिखेगा हो गया ना। तो एक दूसरे को कथी करता है विभाजित, समद्विभाजित करता है, यानी एक दूसरे को दो भाग में बांटता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित है दो बराबर बराबर भाग में बांटता है, यानी कह सकते हैं ए ओ चाहे ओ ए ना लिख दे, ओ ए बराबर कथी हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, और साथ में ओ बी बराबर कथी हो जाएगा ओडी हो जाएगा। क्या समझा था, तीन को गुण जाने अभी फिलहाल कि सम्मुख जो कोणों का बराबर होगा, यहाँ पे लिखवाया ना समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कथी होगा बराबर होगा, फिर आसन कोणों का 180 डिग्री होगा, और तीसरा जाने कि इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ठीक है। तो इतना गुण सब में होगा, सब में होगा, ये दोनों तो सब में होगा, सब समांतर चतुर्भुज, कौन कौन समांतर चतुर्भुज बताए थे जो जो
ठीक लगवा थे ना ऊपर, वो सब में ये गुण होगा कौन सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री और समानता है क्या बोलते हैं फिर सम्मुख कोण सॉरी कुछ भी बोला रहा है देखो इसको मैनेज करो थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ई सब समांतर चतुर्भुज में होगा। और ई वाला जो गुण अभी लिखवाए हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री सब समांतर चतुर्भुज में ही गुण होवे करे। विकर्ण वाला भी गुण होगा लेकिन विकर्ण में थोड़ा सा चेंजिंग भी होगा जो कि आगे हम लोग नंबर बाय नंबर सबको जान लेंगे। ठीक है इतना लिखिए फिर इसको देखते हैं आगे वाला इसको। ठीक है अब देखिएगा हो यहाँ पे ये सब समझ में आ गए ना आए हाँ। तो दो नंबर कथी हेडिंग बनाए थे आयत, दो नंबर में आए थे ना तो देखेंगे आप कथी आयत हेडिंग बनाया दो नंबर में आयत। हम तो इसी में काम कर लेंगे आप लोग फिर से हेडिंग बनाएंगे इसको मिटा दे हाँ। आयत हम बनाएंगे आयत का हेडिंग हम तो यही में काम कर लेंगे आयत कथी हो जाएगा आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल कथी बोलते हैं रेक्टेंगल ठीक है ना रेक्टेंगल हो गया परिभाषा यही रहेगा परिभाषा वही रहेगा वैसा चतुर्भुज जिसके परिभाषा ठीक से यही वाला रहेगा वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा ठीक है लिखवा दे फिर से परिभाषा। चलिए परिभाषा लगभग सेम ही रखेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। लिखिएगा वैसा चतुर्भुज ठीक है ना वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा कथी हो बराबर हो ठीक ना बराबर हो और कथी हो कथी कथी जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है यहाँ रोड में गाड़ी चल रहा है बराबर हो समांतर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो कथी हो समकोण हो नहीं लिखो अभी समकोण हो तो उसे ठीक ना आयत कहते हैं कथी कहते हैं आयत कहते हैं क्या लिखे उसको समझिएगा। वैसा चतुर्भुज देखिए फिर रह छूट गया ना वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो समांतर हो और कथी हो प्रत्येक कोण समकोण हो और जिसका और क्या हो प्रत्येक कोण समकोण हो इसको तंगा मिटा दे ये आयत का फिगर तो बनेगा नहीं तो आयत का फिगर दूसरा ना होगा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं समझिएगा। हमने लिखा वैसा चतुर्भुज की जगह हम ये भी लिख सकते हैं वैसा समांतर चतुर्भुज जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया है कि आयत भी वो कथी है समांतर चतुर्भुज है ठीक है ना तो हम लोग देखिए यहाँ देख रहे हैं आयत का फिगर कथी का फिगर आयत का आकृति या बोलो फिगर ठीक है तो सीधा ये सीधा है बुआ ये सीधा है ठीक ना थोड़ा समझिए इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। हमने बोला वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो यानी ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर चारों आपस में बराबर नहीं ना होगा आमने सामने यानी आमने सामने के खाली बराबर होगा। काहे लिखने पर तुले हो भाई काहे लिखने पर तुले सीखने आयो कि लिखने आयो पहले सीख लो बाद में लिखना तो आमने सामने यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के यानी कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी कोई दिक्कत चलिए। और साथ में कथी बोला है समांतर भी होगा कथी होगा समांतर भी होगा तो नीचे लिख दे हो कि ए भी समांतर कथी हो जाएगा सी डी होगा और आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा ना और क्या बोलते हैं इसको बी सी समांतर कथी होगा ए डी यानी समांतर के साथ साथ कथी होगा बराबर भी होगा समांतर के साथ साथ कथी होगा बराबर भी होगा समझ में आ रहा है ना ए बी बराबर है सी डी के और साथ में ए बी समांतर भी है कथी के सी डी के बी सी बराबर है ए डी के साथ में समांतर भी है कथी के समांतर चतुर्भुज में ऐसा खाली समांतर था समझ लेना ठीक है। आगे यहाँ समझो आगे जो लिखवा है यहाँ पे ये वाला चीज ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा ना वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो समांतर हो तो यहाँ तक तो हो गया और प्रत्येक कोण कथी हो समकोण हो प्रत्येक कोण कथी हो समकोण समकोण का सिंबल ही ना होता है समकोण यानी यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा ठीक है। तो अब जो यहाँ से थोड़ा सा हम ये मिटा रहे हैं ये सब तो होबे करेगा मिटाने वाला कहाँ गलो मिटाने वाला कहाँ है नहीं मिल रहा भाई चलो यहाँ से तनका सा जो है हम क्या कर रहे हैं इसको मिटाने का कोशिश कर रहे हैं ऐसे ये सब हमको फिर लिखना ही पड़ेगा बेकार में मिटा रहे हैं ना चलो मिटा दे चलो ये सब मैनेज कर लेना थोड़ा सा
फिर हमको लिखना ही यही चीज। चलो तो शॉर्ट इस वाला लिखेंगे, ये भाषा लिखा गया ना। चलो एक नंबर हो गया, दो नंबर प्रत्येक कोण कथी है बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सब कथी समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है ना। है तो तीनों पॉइंट समझ में आ गया, यानी वैसा चल भूजी कर आपने सन के भूजा बराबर भी हो और समकोण, भूजा समकोण होगा भाई, गजब हाल है। आपने सन के भूजा बराबर भी हो और समांतर भी हो, समझा, बराबर के साथ साथ और कोण जिसका कथी हो कितना कितना डिग्री हो, यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सब कितना कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद बाकी सब जो गुण बताए थे ना, बाकी सब गुण, अच्छा बाकी सब जो गुण बता रहे हैं उसको आगे हम लोग साबित करेंगे, लेकिन खाली अभी लिख देते हैं, ठीक ना, साबित अभी नहीं करें, आगे साबित करना है सबको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ ये हो बात, कि ऐसे ना कि खाली लिखवा देते साबित ना करेंगे, तो सही बात नहीं, साबित भी करेंगे। अगला कुछ लिखवाए थे, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, अरे भगवान, आसन कोण का योग कितना होता है, उसे छोड़ दें क्योंकि सब समांतर चतुर्भुज ऐसा गुण होगा, माइनस कर लेना। चलो लिखवा देते हैं, मैं चलो लिखवा देते, लिखो आयत भी, अरे हम छोड़ देते हैं रे, बहुत समय लगेगा इसमें, है समझो, एक बार समझा देते हैं खाली समझ लेना, चूंकि आयत भी एक कथी है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज वाला गुण इसमें भी आ जाएगा, कौन सा गुण, कि सम्मुख कोण कथी होगा बराबर होता है, तो सम्मुख कोण बराबर है ना, देखो ना 90 है, चलो सम्मुख कोण बराबर है 90 है, आसन कोण जो है 180 होगा, तो आसन कोण यानी कोण ए या कोण बी जोड़ो तो कितना ए 90 180 ना हो जाएगा, होता है ना, तो आसन कोण 180 डिग्री होता है, साथ में आसन कोण 180 डिग्री होता है और आसन भुजा बराबर होता है, तो आसन भुजा, सॉरी तंका ये बंद करो, इसको पानी को बंद करो, तो बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो गलती से बोला गया आसन भुजा बराबर होता है, आसन भुजा बराबर नहीं होता, बल्कि आसन कोण का योग कितना होता है 100। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो भी समांतर चतुर्भुज होगा ना, समांतर वाला उसका गुण उसमें पाया जाएगा, क्या गुण है समांतर वाला, कि समांतर वाला गुण है कि आसन कोण का योग 180 डिग्री और सम्मुख कोण बराबर। और विकर्ण के बारे में भी समझ लो भाई, विकर्ण क्या होता है, थर्ड नंबर पॉइंट, आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है। आयत का विकर्ण कौन कौन है, तो भाई ए सी है और साथ में कथी बनेगा बी डी, ए सी और ए ना विकर्ण है, इसको सीधा मिलाना तू सब, ठीक ना, बराबर होता है। थर्ड फोर्थ नंबर गुण, आयत का विकर्ण एक दूसरे को ठीक ना, एक पॉइंट भूल रहे हैं, देख लेते हैं, रुक जाइए, कहने के इतना लिखो, तब तक तो लिखो, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि आयत का विकर्ण एक दूसरे को, ठीक ना, समद्विभाजित करता है, कथी करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, करता है। कहने का मतलब यह हो गया कि आयत का विकर्ण है ना, कौन है विकर्ण, ए बी है ना, हो और साथ में कथी है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और कथी है ए बी है बकलोल सर ए सी ना, ए सी और कथी है बी डी, हमने ऊपर लिखा है कि इसका विकर्ण बराबर होता है, साथ में अभी बताया कि एक दूसरे को कथी कर रहा है, समद्विभाजित करता है, यानी कहने का मतलब जो हो जाएगा ओ ए बराबर कथी हो जाएगा, देखो ओ ए बराबर ओ सी है ना, साथ में उसके बाद जो है हो जाएगा यहाँ पे कथी ओ बी बराबर ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, हम जानते हैं कि पूरा कथी है बराबर है, पूरा कथी है बराबर है, तो पूरा बराबर है तो पूरा का आधा भी तो बराबर होगा, समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आधा इसके आधा के बराबर ना होगा, क्योंकि जब ये पूरा बराबर है इसके, तो इसका आधा इसके आधा के बराबर होगा,
है ना, यानी आधा आधा सब कथी हो जाएगा बराबर हो जाए, यानी कह सकते हैं OA बराबर OC बराबर कथी OB बराबर OD, समझ आ रहा है, आधा का आधा भी बराबर होगा, तो आधा का आधा बराबर हो गया यानी पूरा बराबर भी हो जाएगा, किसमें, आयत में। तो हम लोग कथी देख रहे थे, वो आयत देख रहे थे ना, तो आयत के बाद देखेंगे हम लोग सम चतुर्भुज, कथी सम चतुर्भुज, क्या नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, पहले देखे थे चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज या फिर आयत, अब देखेंगे सम चतुर्भुज, ये सब कथी के प्रकार है, तो चतुर्भुज के प्रकार है, और अभी तक जो देख रहे हैं वो कथी है, समांतर चतुर्भुज है, यानी इसको समांतर चतुर्भुज भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखिएगा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ठीक है ना, हो गया, रोम्बस, कथी बोल देंगे, रोम्बस, ठीक है। चलिए लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, लिखिएगा रोम्बस यानी सम चतुर्भुज, ठीक है, ठीक है, वो लिखिए, लिखिएगा वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, अच्छा वैसा चतुर्भुज की जगह पे लिख सकते हैं वैसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा, सभी भुजा, ठीक है, सभी भुजा बराबर हो, बराबर हो, ठीक है ना, जिसका सभी भुजा बराबर हो, कमा आमने सामने की, आमने तो अभी ट्रैक्टर वाला डिस्टर्ब कर देता, लिखिए हो आमने सामने, क्या लिखा, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, कौमा आमने सामने, आमने सामने की भुजा समांतर हो, कहती हो समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण न, प्रत्येक कोण न, प्रत्येक कोण न लिखाएगा, बस इतना ही हो, समांतर हो, तो उसे, तो उसे, ठीक ना, तो उसे हम लोग कथी कहेंगे, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, यहाँ पे लिख देना था, तथा लिख दो यहाँ पे, बराबर हो, तथा आमने सामने की भुजा समांतर हो, तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना, फिगर बनाए, इस तरह से हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हो गया, और इस तरह का जो फिगर बना यह किसका, सम चतुर्भुज का, दिख रहा है, इसमें सब भुजा बराबर दिख रहा है ना, लेकिन तरीका से कथी है, कर्व है, कर्व क्यों है, क्योंकि सीधा रहता तब जब प्रत्येक को 90 डिग्री होता, यहाँ परिभाषा समझिए, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, यानी एक दूसरे के लिए सभी भुजा कथी है, बराबर है, तथा आमने सामने की भुजा कथी हो, समांतर हो, यानी ई इसके समांतर होगा और ई वाला इसके समांतर होगा, ठीक है ना, तो इसे, इस आकृति को हम लोग कथी कह देंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, सभी भुजा बराबर है, तो ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, कथी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी, यानी मान लो एगो भुजा का लंबाई 5 सेंटीमीटर दे ले, तो सबका लंबाई कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, चलो अब एगो चीज़ हो गया, दूसर का कथी बोला है कि आमने सामने की भुजा कथी है, समांतर है, तो आमने सामने की भुजा समांतर, तो ए बी समांतर कथी हो सकता है, बताइए, ए बी समांतर, सी डी, सी डी हो सकता है ना, तथा बी सी समांतर, ए डी होगा ना, बी सी समांतर ए डी, और ए बी समांतर सी डी, चाहे डी सी, जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, ये हो गया, इतना चीज़ हो गया, अब क्या बोला है, इतना ही परिभाषा से इतना ही बोला गया है, अब आगे जो नहीं बोला गया है से तीर के चिन्ह के लिखेगा, लिखेगा सम चतुर्भुज, सम सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का विकर्ण, का विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर कथी, समकोण पर समद्विभाजित करता है, कथी करता है, समद्विभाजित करता है, तो देखिए तो इसको इस तरह से इसका ई विकर्ण हो जाएगा, इसका ई विकर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा,
ना ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे बोल सकते हो एंगल बनेगा, इस तरह से बना सकते कैसे बनाओ। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा सब कितना कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका विकर्ण ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेगा लेकिन कैसे, समकोण पर। हाँ तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए, इसका नाम दे दो, बिंदु को ओ दे दो नाम, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए कितना 90 डिग्री। यानी सब ये सब ये सब ये सब कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री। अच्छा एक दूसरे को कथी कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ओ ए बराबर कथी हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है ना। खाली गाना बजै छो अभी दशहरा के समय में, दशहरा में तो पढ़ाई में बड़ा दिक्कत हो रहा हो, तो हम बताबैत रहिए कथी कि ये सब कोण कितना कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। क्या है कि ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पर समद्विभाजित करै छै, यानी समकोण पर समद्विभाजित करै छै। आ समद्विभाजित का मतलब होता है सम दुई भाज, यानी सम यानी बराबर, दू यानी दू, भाजित मतलब बांटना, यानी दू बराबर बराबर भाग में एक दूसरे का इसका विकर्ण बांटेगा। तो ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी। जो गुण बता रहे उसको याद रखिएगा, याद नहीं रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। इतना हो गया हो, बाकी ये वो समांतर चतुर्भुज है, ये कथी है तो समांतर चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख कोण कथी होगा, इसका आसन कोण का योग कितना होगा 100। आई इस चतुर्भुज है तो इसका चारों कोण का योग कितना होगा 360। ये नहीं लिखाएंगे तो चलेगा ना, सभी समांतर चतुर्भुज के लिए इतना गुण होता है, ठीक ना। हम बता देते हैं ऐसे आगे अंतिम में हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलो इतना फिलहाल लिख लो, हो गया ना, इतना हो गया हो, मोटा दे इसको, चलिए तनकार बचल है। फिगर गलती से नहीं बनाना, सही से बनाना, ठीक ना। अब सेम चीज जानेंगे, परिभाषा सेम जानेंगे, अभी इसके जैसा ये कुछ आठ चीज का परिभाषा होता है, बस तनका सा दिक्कत है उसमें, तनका सा फिगर बना ले है आए ऊपर का मिटाए। चलिए हेडिंग बनाइए अब जो है वर्ग, कथी वर्ग कथी लिखेगा हो, क्या नंबर फिगर है, तो ये चार नंबर यानी चार नंबर समांतर चतुर्भुज वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, कथी बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना, देख लेना स्पेलिंग सही ना। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो तथा तथा आमने सामने की भुजा समांतर हो, ठीक ना, आमने सामने की भुजा कहती हो समांतर हो, और प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, तो उसे वर्ग कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। फिगर ये मिटा दे, आए कितना अच्छा है, सेम डिफिनीशन एकदम सेम है, खाली इसमें लग गया कहती प्रत्येक कोण, खाली लग गया प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। तो समझिए समझिए समझिए, फिगर बनाए, उतारने से ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए दिख रहा है, आए इसका नाम दे दे ए बी सी डी, पूरा एकदम सीधा है, सीधा यानी कितना 90 डिग्री कोण बनाता है ना, सीधा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखिए वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो तथा आमने सामने की भुजा समांतर हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, तो आमने सामने की भुजा कहती हो, मतलब सॉरी सबसे पहले कहते लिखिए सभी भुजा बराबर हो, तो सभी भुजा बराबर है लिख दिए, हम तो वही में से काम चला लिए ना। उसके बाद बोला आमने सामने की भुजा कहती हो समांतर हो, इसके समांतर होगा इसके समांतर होगा, तो देखिए समांतर लिख दिए, वही से छाप दिए हुए वाला है, ठीक ना। उसके बाद लिखा लिखना पड़ेगा आपको प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री। अब एक मिनट लिखेगा नहीं हमको बताओ, इससे पहले कौन ऐसा आकृति देखे थे, यानी कौन ऐसा समांतर चतुर्भुज देखे थे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री था, बताइए जल्दी, कोण 90 डिग्री था, पकड़ो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री देखे है, सम चतुर्भुज उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, देखो तब जाके बकलो लेखा बता रहा है, याद नहीं करता है तू सब, देखो जल्दी गौर से बता जल्दी, आयत क्या है, आयत याद नहीं था थोड़ा ही खाएगा, पहले बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं इसको, गौर से देखो समझो, आयत में ही था ऐसा चीज, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री था, और आयत में खाली आमने सामने की भुजा बराबर था ना कि पूरा, ध्यान रखना कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ेंगे बहुत, पहले बता रहे याद नहीं करोगे तो,
तो अब है उसके बाद कथी है वर्ग, जिसका प्रत्येक कोण कितना है 90, और सभी भुजा कथी है बराबर, और आमने सामने की भुजा कथी है समांतर है। ई एकड़ समांतर हुआ, ई एकड़ होगा, आ एक दूसरे का पूरा समांतर नहीं होता, पता है समांतर का मतलब जो कहीं भी ना कटे। तो देखो एकदम सीधा जा रहा, कहीं कटेगा इसको बढ़ाओगे तो फिर इसको बढ़ाओ, कहीं भी कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। आते हैं आगे, अब जो है इसका गुण लिखिए, लिखिएगा इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण मतलब किसका, वर्ग का, बराबर होता है, कहते होता है इसका विकर्ण बराबर होता है। इससे पहले किसका विकर्ण बराबर देखे थे, आय किसका, आयत का, इससे पहले आयत का देखे थे, इसका विकर्ण कहते आपस में बराबर, सही से ठीक है ना। इसका नाम दे दे, वो आए तो लिख सकते हैं विकर्ण कथी है ए सी बराबर कथी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक ना। चलिए समद्विभाजित करता है, सबसे पहले इसका विकर्ण क्या है, बराबर है ना, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर कथी बी डी, और फिर बोला है कथी इसका विकर्ण एक दूसरे को कथी कर रहा है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है यानी ओ ए बराबर कथी हो जाएगा ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, फिर ओ बी बराबर कथी हो जाएगा ओ डी। आ कहने का मतलब ये कि हई आधा हई भी आधा, हई आधा हई भी आधा, तो आधा आधा बराबर यहाँ पे है, ई आधा एकड़ बराबर है, ई आधा एकड़ बराबर है, एकर पूरा एक दूसरे के बराबर है, जब पूरा बराबर है तो आधा एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए जो है समझिएगा कहने का मतलब जो है ये पूरा जो है, ये पूरा जो है कथी है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इसका आधा जो है इसके आधा के बराबर भी हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। इसको समझिएगा गौर से, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा बराबर है, आए कथी यही पूरा बराबर है, तो पूरा बराबर है तो इसका जैसे कहने का मतलब जो है चार बराबर कितना छ, ठीक है चार बराबर चार लिख दो, चार बराबर चार लिख दो, तो कहने का मतलब इसको लिखेंगे दो गुने दो, चाहे दो प्लस दो, फिर लिखेंगे दो प्लस दो, तो दोनों को आधा कर दिए, तो दो से तुलना कीजिए दो के बराबर होगा, फिर दो का तुलना कीजिए दो से, यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चार जो है चार का चार पूरा बराबर है, इसका आधा कथी होगा एक दूसरे के बराबर हो रहा है ना, इस तरह से ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पूरा जब बराबर है तो उसका आधा भी कथी होता है बराबर होता है। अब कहिएगा मैथ में साबित करके बताइए, तो हम देख लीजिए चार है बराबर कथी है, चार है बराबर, तो इसका आधा बराबर करना है ना, आधा करने के लिए कथी करना पड़ेगा इसे दूसरे भाग देना पड़ेगा, तो दूसरे भाग दीजिए, भाग दीजिए दो आ गया, दो आ गया, तो दो बराबर दो आ गया कि नहीं, समझ में आ गया, यानी पूरा बराबर रहेगा तो उसका आधा भी कथी होगा बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो पूरा यहाँ पे बराबर दे दिया था, इसलिए यहाँ पे आधा सभी एक दूसरे का कथी होगा बराबर होगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कहाँ तक वर्ग तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चीज़ बताएंगे, वर्ग भी एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका जो है समूह कोण कथी होगा ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, साथ ही आसन कोणों का योग, आसन कोण क्या योग कितना होगा 180, 90 या 90 जोड़ेगा तो 180 होगा ना, सिंपल सी बात, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180, कितना हो सकता है उसे हमको पता नहीं, समांतर चतुर्भुज है तो आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा, कोण कितना होगा पता नहीं, 90 होगा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, यहाँ वर्ग है इसलिए कन्फर्म है कि यहाँ 90 होगा, लेकिन वही समांतर चतुर्भुज होता तो आसन कोण का योग कितना होगा 180 तो होगा, लेकिन वहाँ कन्फर्म नहीं है कोण कितना होगा से, ठीक है। चलिए इसको छापिए, फिर अगला आकृति देखते हैं। तो अब जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, अब जो है अगला चतुर्भुज कौन सा है बताइए, मिटाए हो अगला चतुर्भुज कौन सा है, समलंब चतुर्भुज, हाँ तो समलंब चतुर्भुज देखेंगे, और समलंब चतुर्भुज जो है आपका समांतर चतुर्भुज नहीं है, पता है ना, हाँ तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो लिखिए क्या नंबर, पाँच नंबर, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज, अच्छा समलंब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, समलंब चतुर्भुज को खाली समलंब भी बोल सकते हो, ट्रेपीजियम ट्रीपीजियम ट्रीपीजियम
रुक जाइएगा, इंग्लिश एक बार मिला लेते हैं तोड़ सके। हाँ ट्रीपीजियम सही है, लिख लो। ट्रीपीजियम हो गया, ट्रीपीजियम हो गया। हाँ यानी समलम्ब या समलम्ब चतुर्भुज हो गया। हो लिखिएगा अब इसका परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, फिर से बताएंगे। ई एगो समांतर चतुर्भुज नहीं है, इससे पहले जो भी देखे थे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो सबको, ठीक है। लिखिएगा वैसा चतुर्भुज, कथी वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका जिसका कोई दो भुजा, कोई दो भुजा, कोई दो भुजा समांतर हो, कथी हो समांतर हो, कोई दो भुजा कथी हो समांतर हो, तो उसे तो उसे तो उसे समलम्ब 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 चतुर्भुज कहते हैं, या खाली समलम्ब भी कहते हैं, ठीक है समझिएगा। बउआ सर कृपया ध्यान दे बोर्ड पर क्या बोला है, कोई दूगो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई दूगो भुजा बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसे बोला है, आए बराबर होने के लिए बोला है, समांतर होने के लिए बोला है। तो देखिए तो ई बेचनवा देखिए ना, एगो भुजा देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, सी डी ए बी सी डी देखिए यहाँ गौर से, बी सही से ना लिखा रहा है, कहा है वो देखिए यहाँ पे देखिए, ए बुआ प्रिंस याद ध्यान दो, इसको देखिए तो इसको आगे बढ़ाइएगा, लगता है यही कर जाएगा, इस समांतर होगा कहियो, यानी ए डी और बी सी समांतर कहियो, लेकिन बी सी को देखिए सॉरी सी डी को ए बी को देखिए, बढ़ाइए, छोट बड़ा उसे कोई मतलब नहीं है, बढ़ाइए इधर बढ़ाइए, होगा कटेगा कहियो, यानी हमको लग रहा है कि ई वाला समांतर है। तो परिभाषा में यही ना बोला है कि वैसा चतुर्भुज जिसका कोई दो भुजा कथी हो समांतर हो, तो उसे कथी बोलते हैं समलम्ब चतुर्भुज या समलम्ब कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ई गुण होता है, ठीक ना, इसका भी विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, लिखिएगा इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक ना। चलिए चतुर्भुज है तो समझिए, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं बोले, चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करवे करेगा, ठीक है। चलिए तो विकर्ण कौन है भाई, ए सी और ए सी और कथी है, ए सी और देख लीजिएगा गौर से, तो ए सी और बी डी, ई तंगा बीच में कटना चाहिए, गलत कटता है, देख लीजिएगा फिगर थोड़ा माइनस कीजिए, ये बीच में कटेगा तब ना जो है समद्विभाजित होगा, देख लीजिए मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है फिगर, तो उसको माइनस कर दीजिए, इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम होना चाहिए, ऐसा फिगर बनाइए, ये दोनों का लंबाई क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो ओ ए बराबर कथी होना चाहिए, ओ सी, फिगर थोड़ा सही नहीं बना है आप लोग सही से बनाइए, और ओ बी बराबर कथी ओ डी, बराबर लगना चाहिए, बराबर नहीं दिख रहा है ना, फिर से कोशिश करें कि बन जाए थोड़ा अच्छा से, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आपसे भी बने अच्छा से, तो ऐसा से ना बनना है क्या, बनाना सही से, ठीक ना, सही से बनाओ बनेगा, निश्चित ही बनेगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, थोड़ा जल्दी बनाइए, तो आगे लिखवा रहे हैं, जल्दी बनाइए, हो गया लिखाया गया हो, आए चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा, इसके बारे में लिखवा देते हैं खाली, इसके बारे में इसका ठीक ना, सम्मुख कोण कथी होता है बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है ना, तथा सम्मुख कोण मतलब सामने वाला रे, आमने सामने वाला, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, लिखिएगा इसका इसका मतलब किसका, समलम्ब का, आसन कोण, ठीक है ना, आसन कोण, आसन डबल न, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसमें खाली लिखवा दिए, ठीक है ना,
समझ में आ गया। और शब्द विभाजित करने के लिए बोला था हाँ लिख दिए, चलो इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को शब्द विभाजित करता है, नाम दे देना कुछ ठीक से लिखना, ठीक ना, ये थोड़ा सही से बना नहीं है, मैनेज करना थोड़ा सा, ठीक है, हो गया हो। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, इतना चीज हो गया किसके बारे में, समलम के बारे में। एगो आकृति बच जाता है पतंग, कथी छठा लिखेगा पतंग, पतंग, पतंग को कथी बोलते हैं इंग्लिश में, काइट, ठीक है ना। तो लिखिएगा वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका, ठीक ना, जिसका जिसका देखिएगा वैसा चतुर्भुज जिसका दो आसन भुजा, दो आसन भुजा बराबर हो, जिसका दो आसन भुजा कहते हो बराबर हो, तो उसे पतंग कहते हैं, कथी कहते हैं पतंग कहते हैं, पतंग कहते हैं यानी काइट कहते हैं। हमको लगता है बचपन में हम लोग पतंग उड़ाए होंगे, तो देखिए ये तो इस तरह से पतंग बना होगा, है ना, देखिए ना बना रहे हैं, बनेगा तब ना कहिएगा कि नौ चाहे, हाँ दिख रहा है इस तरह से, हो गया, इसी तरह से ना पतंग बना। तो क्या परिभाषा समझिए, वैसा चतुर्भुज जिसका दो आसन भुजा बराबर हो, तो आसन भुजा मतलब कथी आसपास वाला, अच्छा ये देखो ए है, ये कथी है बी है, इसी है ये कथी है डी, कैसे फिगर नाम लिख सकते हो ए बी सी डी। तो गौर से देखिए, तो गौर से आप देखिए आसन भुजा मतलब कथी आसपास वाला ना, तो देखो ई भुजा नहीं है, ई पता नहीं कथी है विकर्ण है, कथी है विकर्ण है ना, ये कथी है विकर्ण है, तो आसन भुजा मतलब आसपास वाला, यानी ए बी के आसपास कौन है ए डी है, तो हाई हाई बराबर होगा, और इसके आसपास कौन है ई है, तो हाई हाई बराबर होगा, आसन भुजा बराबर होगा ना, तो लिख दीजिएगा किसके बराबर किसका होगा, तो लिख दीजिए ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए डी, नाम कुछ भी लिख सकते हैं पता है ना, नाम कुछ भी लिख दे, खाली गुण ध्यान रखना, नाम कुछ भी लिख सकता, पी क्यू आर एस कुछ भी लिख देंगे, कन्फ्यूज नहीं होना, ऐ बात कर रहा है, बात करेगा मार खा जाएगा, बोले नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ध्यान देना। तो ए बी बराबर हो जाएगा के ए डी के, और बी सी बराबर हो जाएगा कथी के सी डी के, हम चेक भी कर लेंगे टेंशन नहीं लो, और साथ में तथा भुजा ए भी है ना, तो बी सी बराबर कथी हो जाएगा सी डी हो जाएगा ना। चलिए अब तीर के चिन्ह के लिखिएगा इसका विकर्ण, इसका विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को लंब पर, कथी पर लंब पर समद्विभाजित करता है, लंब पर समद्विभाजित करता है, लंब पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, लंब पर समझता है ना, आए चलो, यानी 90 डिग्री यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, लंब पर मतलब क्या थी, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे समद्विभाजित करता है, इसका नाम कुछ दे दो, ए ओ दे दें, तो हो जाएगा ओ ए बराबर, कैसे हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा ना, हो साथ ही तथा ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। और लंब पर समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे कोण जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, चाहे ए ओ डी, चाहे कोण भी बोलो बी ओ सी, ठीक ना, चाहे सी ओ डी, ये सबका एंगल कितना वैल्यू हो जाएगा, सबका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, आए तो ये चीज़ नहीं लिखा रहा है तो समझ लीजिएगा, ठीक है, चाहे लिख भी सकते हो यहाँ पे कोण बी ओ सी कहाँ है, कहाँ से शुरू करें, ए से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, देखो कोण ए ओ सी, ए ओ सी ना बी, कथी नाम इसका बी ना है, तो बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ डी ओ ए, डी ओ ए बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा ना, कि सम में 90 डिग्री बनेगा, सम में 90 लंब पर समद्विभाजित करता है इसलिए, ठीक है। तो पतंग के बारे में हम लोग जान गए, हमने आपको नोट में कुछ लिखाया होगा, भले बता दिया होगा कि पतंग और त्रिभुज कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलो तो कुछ पॉइंट जो है हम और लिखा देते हैं सबसे रिलेटेड, ठीक है ना, नोट में लिख लिया हो,
हाँ तो लिख लीजिए, तब पहले लिखवा दे देंगे हम। चलिए मिटा रहे हैं बोर्ड पर, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए गड़ियावा बार बार चल रही काहे न काहे, चलो मिट गया। अब लिखेगा तीर के चिन्ह देके, लिखेगा सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज, सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज में, चाहे के लिए, इसे लिख दो के लिए, के चाहे के लिए लिखो चाहे मैं लिखो, समुख कोण कथी होता है बराबर होता है, ठीक ना। समूह कोण कथी होता है बराबर। हाँ बराबर होता है। हम एगो ले लेते हैं कोई भी, मान लो कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, मान लो ये ले लिए आकृति, मान लो कि समांतर चतुर्भुज या कुछ भी, मान लो ये मान लेते हैं कि एगो कथी वर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन वर्ग भी एगो कथी समांतर चतुर्भुज है ना, तो कहने का मतलब जो है समूह कोण कथी होगा बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो कोण ए बराबर कथी होगा कोण सी, है ना, आ कोण बी बराबर कथी हो गया कोण डी, ये दोनों कथी है तो समूह कोण। अरे बकलूल, समूह कोण कथी है समूह कोण, ठीक है ना, दोनों क्या है समूह कोण है। ये कोई चिन्ह नहीं, हम दर्शाने के लिए बताया कि दोनों समूह कोण है, ठीक है ना। एक नंबर समूह कोण है, एक नंबर दो नंबर। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज में, ठीक ना। आसन कोनो का ये होगा, आसन मतलब आसपास, आसन कोनो का योग 180 डिग्री होता है। अब यार नहीं समझे तो लो ना भाई, समझो ना, कोण ए प्लस कोण बी, आसन मतलब कथी आसपास, आसन मतलब आसपास, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। दो नंबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीन नंबर हो जाएगा कोण ए प्लस सॉरी बी कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक ना। चार नंबर होगा कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री। ये सब कौन सा कोण है तो आसन कोण है, ये सब कौन सा कोण है तो आसन कोण है, ठीक है ना। आसन कोण है, कौन सा कोण है आसन कोण, या क्रमागत कोण भी इस तरह से घूम रहा है तो बोल सकते हो। अगला पॉइंट लिखिएगा सभी प्रकार के ठीक ना, समांतर चतुर्भुज नहीं चतुर्भुज, हम चतुर्भुज लिखिए यानी चतुर्भुज में सब चला गया, समांतर चतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज न भी हो, सभी प्रकार के चतुर्भुज का मतलब होता है चार गो भुजा से घिरा होना चाहिए। सभी प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये सब गुण जो है हम लोग आगे साबित करके देखने वाले हैं, लेकिन अभी जो लिखवा देते हैं ताकि आपके पास एक जगह रहेगा तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। चलिए अभी और कुछ पॉइंट लिखाना है, इतना लिख लीजिए तो लिखा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए और लिखिए, मिटाए हो हाँ। अच्छा कल हम बोले थे कुछ लिखवाने के लिए, नहीं लिखा, लिखा कि नहीं, अच्छा लिखो बकलो से लिखो ना, यही लिखा है कि सभी प्रकार के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हाँ कथी हम लिखवाए थे बताइए तो, सभी प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग 360, हाँ या ऐसे लिख सकता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री होता है, इस तरह से लिख लो, ठीक है समझा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, इस तरह से लिखो, जैसे लिखो समझ गया ना, चारों कोण जो है इस मिला कितना होगा 360 होगा, ठीक है। चलो हम कल ले बोल रहे हैं, हम जो है आपको एगो परिभाषा लिखाने के लिए कह रहे थे, राइट, चतुर्भुज का एगो और परिभाषा, लेकिन फॉलो में पढ़ाने के चक्कर में भूल गए, तो एगो और जो चतुर्भुज का परिभाषा होता है लिख लीजिएगा,
ठीक ना। चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, एगो और होता है जो कि हमने आपको नहीं बताया है चतुर्भुज, ठीक है ना, उसको लिख लीजिएगा। हाँ, दूसरा परिभाषा तो क्या है, लिखिएगा कि चार, ठीक ना, चार असंरेखी, असंरेखी चार असंरेखी बिंदुओं को, बिंदुओं को मिलाने से चाहे मिलाने पर जो आकृति, मिलाने पर जो आकृति, जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। कथी कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, कहते हैं। कथी बोला है? चार असंरेखी बिंदुओं। असंरेखी से पहले हम लोग संरेखी जान लेंगे, संरेखी हम लोग जानते हैं लेकिन एकदम बता देते हैं। संरेखी का मतलब होता है एक रेखा पर बहुत सारा बिंदु, कम से कम तीन गो से ज़्यादा, तो इसको असंरेखी कहेंगे ना, एक लाइन पर रहेगा तो, मतलब सॉरी संरेखी कहेंगे, कथी कहेंगे संरेखी, इस संरेखी लाइन है, कथी है संरेखी रेखा, संरेखी बिंदु, ये सब कथी है संरेखी, एक गो पर तीन गो से ज़्यादा है ना, सब कथी होगा संरेखी। लेकिन असंरेखी का मतलब कथी क्या है, तो एक गो लाइन पे नहीं, एक गो के लाइन पे नहीं, असंरेखी का मतलब है एक गो लाइन पे न, तो हमको चार गो कथी लेना है, बिंदु लेना है कैसन असंरेखी, तो एक गो लाइन पे नहीं ना होना चाहिए, कहीं भी एगो चार गो बिंदु ले लो, कहीं भी चार गो बिंदु तू ले सकता है, कहीं भी इसको मिला दो, मिलाने के बाद जो तुमको आकृति मिल रहा है वो आकृति कथी होगा चतुर्भुज होगा, ये हो गया, कहीं भी ले सकते हो, कैसे लिखो ऐसे तुमको मिलाना, मिला दो है ना, चार गो मिला ना, एक कोण, दो कोण, तीन गो कोण, चार गो कोण, कैसे मिला दो, चारों कोण मिलना चाहिए, चार गो भुजा होना चाहिए, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है, कैसे बना दो चतुर्भुज बनेगा, इस तरह ये भी चतुर्भुज है, ठीक है ना, कैसे बना दो चतुर्भुज बनेगा, समझ में आ गया ना। हाँ, तो एगो चतुर्भुज का ये हो बात था, यानी परिभाषा था जो कि हमने आपको लिखा दिया, जैसे त्रिभुज के लिखवाए थे। आगे लिखेगा इसमें कुछ पॉइंट, लिखेगा अब जो है नोट्स, कथी है, हाँ, इम्पॉर्टेंट नोट्स करके लिख लो हेडिंग, इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, इसको करके एक नंबर पॉइंट लिखो, एक वर्ग आयत होता है, आयत होता है, और एक समचतुर्भुज भी, और एक समचतुर्भुज भी है। हम लोग समझते चलेंगे, कथी बोला है एक वर्ग आयत होता है और एक समचतुर्भुज भी, एक जो वर्ग होगा कथी होगा आयत होगा, एक वर्ग जो है कथी होगा आयत भी होगा, और कथी होगा समचतुर्भुज भी होगा, समझेगा अब इसको, ये कहला इसे कह दिया, पियकर लिखा था ना, बोल दिया, समझने की कोशिश हम लोग करेंगे ना, बोला है कि एक वर्ग एक आयत भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है, चेक कर लेते होता होगा तब ना। तो देखिए वर्ग का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इसका चारों भुजा कथी हो और आमने सामने का भुजा कथी हो समांतर हो और प्रत्येक कोण कथी हो और इसका विकर्ण कथी हो बराबर हो, इतना चीज जानते हैं ना, बाकी समांतर चतुर्भुज का गुण आप लोग जानते हैं, समूह कोण बराबर होगा, आसन कोण का 180 डिग्री होगा, तो उसका एक्स्ट्रा बात है। चलिए हम देखेंगे क्या इसमें आयत वाला गुण मिल रहा है, तो हो जाएगा आयत भी हो जाएगा, फिर चेक करेंगे क्या यह समचतुर्भुज वाला गुण को पालन कर रहा है, वो मिल जाएगा तो समचतुर्भुज भी हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए तो आयत के लिए हम जानते हैं कि आयत में होता है आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी, तो देखिए आमने सामने की भुजा आयत क्या बोलते हैं वर्ग में बराबर भी होता है और कैसे होता है समांतर भी होता है, तो ये गुण स्पष्ट है, एक बार गुण चेक कर लेते हैं होता कथी है कि इसका प्रत्येक को 90 डिग्री, तो आयत का प्रत्येक को 90 डिग्री होने के साथ साथ बर्गवा का भी तो होता है, तो ये भी गुण संतुष्ट होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, सब चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आयत का जो है विकर्ण कथी होता है, हाँ आयत ही फिगर है, ये रखिए आयत ही है ना, आयत का विकर्ण भी बराबर होता है, तो भाई इसका भी तो विकर्ण बराबर होता है, यानी हर चीज़ संतुष्ट कर रहा है, यानी ये वो आयत भी हो जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज का चेक कर ले, समचतुर्भुज का देखते हैं तो फिगर ही है,
देखते हैं समचतुर्भुज का फिगर ई है, राइट। इस तरह से फिगर बनेगा तो समचतुर्भुज कहता है कथी कि हमर सब भुजा बराबर रहता, तो यो कहता कि हमरो सब भुजा बराबर रहता, ठीक है। फिर समचतुर्भुज कहता है कथी कि हमर आमने सामने के भुजा समांतर रहता, आमने सामने के भुजा समांतर रहता, तो ये कहता कि हमरो सब समांतर हो, आब मिलाब। ये कहता है कथी कि हमर प्रत्येक कोण 90 डिग्री न है, इसमें है तो इसमें है तो और अच्छा बात है, और अच्छा बात ना है, न है तो वो तो गलत बात छोड़ दीजिए, लेकिन है तो और अच्छा बात है। इसका गुण एक को ऐसा है जो इसमें नहीं है, एक को ऐसा गुण तो नहीं है, इसका जो दो गुण था वो सब ये में है ही है। इसका विकर्ण एक दूसरे को समझी भाजित करता है, इसका भी विकर्ण एक दूसरे को समझी भाजित करता है, तो दो कम से कम हमको गुण इसमें मिल गया है, ठीक है। तो एक ई जो है ई भी हो सकता है, यानी एक समचतुर्भुज वर्ग भी हो सकता है। क्या ऐसा अंतर है जो दोनों को अलग करता है, वर्ग और समचतुर्भुज का, बताइए। हाँ, इसका कोणवा जो है 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोणवा 90 डिग्री एक बार कोण देखना चाहोगे तो देख सकते हो। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन इसका विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो दो चीज अंतर आ गया। लेकिन कम इसका गुण तो उसमें मिल रहा है ना, इसका गुण इसमें ना मिले वो अलग बात है, हम तो इसको खोज रहे थे ना उसमें, तो ये तो उसमें मिल गया, हो गया ना। तो ये समचतुर्भुज भी होगा और कथी होगा, क्यों होगा बता सकते हो ना, वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हो सकता है, इसको मिटा दे। चलिए बहुत खूब, इस तरह से हम लोग समझेंगे। दो नंबर नोट, दो नंबर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज एक कथी है समलंब है, समलंब है कथी है समलंब है, समलंब है। तो समांतर चतुर्भुज दिया कह रहा कथी कि समलंब होगा, बकलो लेखा बोल रहा है, चेक करके देख लेते ना। समलंब कथी दिया कह रहा है, किसके दिया कह रहा है, तब समांतर को बता रहा है कि समलंब भी होगा, बकलोल कहीं क्या चेक करेंगे तब ना बताएंगे, ऐसे कैसे मान लेंगे ना, ऐसे नहीं मानेंगे हम लोग। यह समांतर चतुर्भुज का आकृति, और इसको ही बता रहा है कि समलंब भी होगा, तो देखेंगे समलंब वाला गुण इसमें मिला है तो हो जाएगा, क्या दिक्कत। तो समलंब का मतलब कोई एगो युग्म कैसे होना चाहिए, कोई एगो युग्म चाहे मतलब दो भुजा कैसे होना चाहिए, बराबर बराबर बोल रहा है, देखो तो समांतर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कोई एगो जोड़ा चाहे दो भुजा, एगो जोड़ा चाहे दो भुजा बोलो, एगो जोड़ा का मतलब कथी कथी दू एगो ना, एगो जोड़ा बोलो चाहे दो भुजा बोलो, चाहे जोड़ा को बोलते हम लोग युग्म, कथी बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, कथी बोलते हैं ध्यान रखिए। तो कोई एगो युग्म यानी कोई एगो जोड़ा या कोई दो भुजा कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तो हो जाएगा कथी समलंब। तो देखिए ना, समांतर में तो होता है आमने सामने की भुजा समांतर होता है, तो यहाँ एगो खोजा था, यहाँ दुदुगो हो गया, एक बार यहाँ समलंब के लिए कोई खोजना चाहिए, एक हो ना, यहाँ दुदुगो हो गया, तो और अच्छा बात है, यानी इस समलंब भी होगा और क्या होगा समांतर भी होगा, कोई दिक्कत, यानी समांतर चतुर्भुज एगो समलंब भी होगा। अब तनका सा आयत से इसका तुलना करा दे, आयत ये भैया आयत, ये आयत हो गया, आयत इन दोनों को अलग कौन ऐसा गुण कर रहा है बताइए, आयत और समांतर चतुर्भुज का कौन ऐसा गुण है जो अलग कर रहा है बताइए, बोलिए। आपको याद नहीं आ रहा है तो घर पे जाके याद अच्छा से कर लेना, तो धुलाइयो लगेगा। देखिए ये दोनों कहता है कि हमारे आमने सामने का भुजा कथी होगा समांतर होगा, बराबर के अभी हम जिक्र नहीं किए, कहता है तो ठीक है, तो इसका भी आमने सामने का भुजा समांतर, इसका भी आमने सामने का भुजा समांतर, लेकिन इसके आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, लेकिन इसमें ऐसा बराबर नहीं है, समांतर खाली होता है। तो यह गुण ई कि इसका जो है आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होता, समांतर होता लेकिन बराबर किसका, समांतर का, इसलिए ई जो है अलग हो गया इससे। दूसरा कोण इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, दूसरा गुण अलग, ठीक ना। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन इसका विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, लेकिन अलग क्या है, तो अलग यह है कि इसका विकर्ण एक दूसरे से बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर, इसका आधा होता है से बराबर होता है, समझ में आ रहा है कुछ, आधा यानी ई ई ई ई चारों आपस में बराबर नहीं होता। तो इस तरह से गुण क्या है, तो दो आप गुण याद रखिए कि इसका भुजा आने से बराबर नहीं होता, इसका बराबर होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता, इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, बस दो चीज़ ध्यान रखना है, दो शर्त हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो इस तरह से ध्यान रखो, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी क्या करते, खाली भुजा को बराबर कर देते हैं, भुजा को बराबर जैसे करते हैं तैसा कोण वो 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी इसका आया क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का जैसे भुजा बराबर करते हैं तो बराबर करेंगे तो सीधा हो जाएगा ना, और सीधा हो जाएगा तो उसका कोणवा कितना हो जाएगा, तो कोणवा जब 90 डिग्री तो एगो समांतर चतुर्भुज आयत भी कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी पूछता है इस तरह से कि यदि हम समांतर चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री कर दे तो,
तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो देख लेंगे, समझ लेंगे, गुण का तुलना कर लेंगे, तब जो पूछेगा उसका जवाब जो है दे देंगे। इसलिए इसके लिए आपको याद तो करना पड़ेगा ना, याद कीजिए। आगे बोल रहा है, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, हम सब पहले ही से जानते हैं ना, पतंग पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं है। नाव इस हम पहले ही से जानते हैं, नाव बताइए ना पहले ही, ठीक है। समलम एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी जानते हैं भाई, क्या है बता रहा है, समलम कथी, समलम एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। अब कहे कैसे, तो देखो समलम, समलम के बारे में तो समझ लो, समलम समांतर चतुर्भुज नहीं है इसका कारण बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जान लो, समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजा कम से कम समांतर होना चाहिए, आमने सामने की भुजा कैसे होना चाहिए, तब समांतर चतुर्भुज होगा। पतंग में ऐसा है नहीं, पतंग में तो आसन कोण कथी होता है, भले आसन भुजा बराबर होता है लेकिन समांतर नहीं होता है, इसलिए उस समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समलंब में भी होता है क्या चीज, कि एक ही को भुजा समांतर होता है, एक ही को मतलब युग्म में, सॉरी एक ही को युग्म में समांतर होता है, आमने सामने वाला एक ही को होता है, दोनों समांतर नहीं होता। इसलिए जो है कहने का मतलब, जब दो को युग्म बनेगा ना इस तरह से बनाएंगे तो दो को युग्म बनता है, तो ई और ई समांतर हो जाता है, लेकिन ई और ई समांतर नहीं होता, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं, समझ में आ गया ना। तो समलंब समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है बता सकते, क्योंकि इसमें एक ही को युग्म समांतर है, दोनों हो जाता तो हो जाता, ठीक है ना। पतंग क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कोई भुजा समांतर है ही नहीं, तो समांतर चतुर्भुज काहे का होगा भाई, समझ आ गया ना। अगला पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा, एक आयत, एक एक आयत, आयत समझता है ना, अथवा एक सम चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, आयत के बारे में, और कथी के बारे में, सम चतुर्भुज के बारे में, किसके बारे में दिख रहा है वो कैमरा में, अब दिख रहा है, चलिए ये आयत है, ये सम चतुर्भुज है, ये दोनों दिया करा कि ये जो है वर्ग नहीं हो सकता है, कहा भाई तू बता रहा है, हम तो पहले ही से जानते हैं, है ना, क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए, इसमें है क्या ऐसा, इसलिए नहीं होगा, सिंपल से एक ही ओरिजिन मिल गया, एक ही ओरिजिन, कोई को मान लो देखा सुनी होता है, अब देखा सुनी होता है तो लड़की पसंद है तो ठीक है, लड़की पसंद ना है तो कोई रीजन से काट सकते हैं, समझ में आ रहा, वही बात है, हमको एक ही ओरिजिन मिल जाएगा तो इसको ना काटेंगे, तो एक ओरिजिन मिल गया कथी की इसका चारों भुजा बराबर नहीं, पसंद न, हट भाई तू हट, इसको देखे ये वर्ग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए जो है सब चतुर्भुज को वर्ग नहीं हो सकता, जैसे इसमें प्रत्येक को 90 डिग्री कर देगा, ध्यान आया क्वेश्चन बनता है इससे, जैसे इसका कोण 90 डिग्री करेगा ये जो है आपका वर्ग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसमें सभी भुजा तो बराबर होता है ना, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, फर्क कितना है, इसका कोण 90 डिग्री नहीं है, बस ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा कि यदि सब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर दिया जाए तो क्या वह वर्ग हो सकता है या नहीं, जवाब क्या होगा, हो सकता है। चलिए तो इस तरह से आपका क्लास समाप्त होता है, ठीक है ना, आज के लिए समाप्त होता है, कल से हम लोग जो चीज़ लिखे उसको साबित करना सीखेंगे, लेकिन आप लोग इसको रट लो, समझ लो अच्छा से पहले, फिर अच्छा से रट लो, हर दिन काम देगा, सब दिन काम देगा, जैसे तक मैथ पढ़ोगे तैयार तक, ठीक है। चलिए क्लास क्लास को रोका जाए यहीं पर, ठीक है, चलिए बस 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 एक क्वेश्चन तक कर लेते हैं, तो अच्छा से बताना, ये है आयत, ये है कथी आयत, इसे एक आकृति बना देते हैं, यह है आयत, ऐसे एक क्वेश्चन करने का मन कर रहा है बता देना, तब समाप्त कर देंगे। चलो कौन बताएगा इसका लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो कौन बताएगा इसका लंबाई, इसका लंबाई कौन बताएगा, अरे भाई आया थे तो आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये 12 है तो ये 12 हो गया, समझ में आ रहा कुछ, अच्छी बात है। चलिए तो बस अब समाप्त किया जाए ना।